हम लोग भाजपा के प्रति खपा हैं सर। अगर गोपाल जी ठाकुर का जहाँ तक बात रहा तो ये समस्या हम लोग समाज आप सोच लिए कि हम लोग को क्या करना है। अरे एक बार नाम सुने हुए थे 5 साल पहले गोपाल जी ठाकुर का, और आज आपके मुँह से सुने हैं। बस वही बगल में चतरिया है, वो गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण का बस्ती है, बार बार आता है। सिमरा एक बार नहीं आया वो देखने के लिए कि सिमरा में क्या होता है नहीं होता है। रोड का दशा देख लीजिए। देख लिए, उम्मीद दे करके देख लिए, वोट भी दे करके देख लिए, महज फिर भी वो काम नहीं किए, इसलिए कि हम लोग उनको वोट मतलब कि देंगे ही नहीं। केंद्र की सत्ता में बीते 10 वर्षों से स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बार एक और हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। दरभंगा में दूसरी बार भी पार्टी नेतृत्व ने गोपाल जी ठाकुर पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन आम जनता के बीच गोपाल जी ठाकुर को लेकर जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता बढ़ा देगा। मंगलवार को मिथिला लाइव की टीम जब दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सिमरा निहालपुर पंचायत में आम लोगों के बीच गोपाल जी ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर माहौल टटोलने पहुंचा तो लोगों ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं। ये पूरी बातचीत आप खुद सुनिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के प्रायोजक हैं आइडियल पाथ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, शिक्षा के साथ सफलता का सही स्थान। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। क्लास 7th से क्लास 12th तक के बच्चों के लिए, और साथ में करें JEE और NEET की तैयारी। तो देर किस बात की, दरभंगा में आज ही चुनें शिक्षा का सर्वोत्तम विकल्प आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन। हमारा पता है दरभंगा के खानका चौक और JP चौक के बीच मधुवन विवाह भवन के बगल में। भाजपा दरभंगा लोकसभा से फिर गोपाल जी ठाकुर को टिकट दी है। गोपाल जी ठाकुर जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? अरे एक बार नाम सुने हुए थे 5 साल पहले गोपाल जी ठाकुर का, और आज आपके मुँह से सुने हैं। बस नाम के लिए आते हैं, 5 साल में पहली दूसरी बार नाम सुने आपसे, समझे। कोई काम वाम तो अभी तक किए नहीं है, अभी तक तो उनका कभी कोई चर्चा न्यूज़ में कुछ फिर नहीं देखे हैं, काम वाम किए नहीं है। अब इस बार तो ललित यादव बेस्ट रहेंगे हम लोग के लिए, और ललित यादव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आपको तो बता ही दिया कि 5 साल में दूसरी बार आपसे हम नामे सुने हैं, तो उसका काम करेंगे। जो व्यक्ति काम करेगा उसका तो आप रूपी नाम आ जाएगा, वो तो आप भी जानते हैं। तो कुछ काम किए ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा। चंदन जी, गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा लोकसभा से फिर से टिकट दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, ये हमने जो है मतलब कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, उसमें जो है मतलब कि ये नया चेहरा उभर करके आए हैं, ठीक है। तो हम लोग नया चेहरा के देखते हुए हम लोग सोचे कि ये जो है आदमी ये है कुछ काम करेंगे, महज काम नहीं किए। क्योंकि देखिए बताते हैं, काम इसलिए नहीं किए हैं या इसके पास फंड आया है या नहीं आया है ये तो हमको नहीं मालूम है, महज जो भी है महज काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए बताते हैं, गाँव का रोड है, गाँव का रोड नहीं हुआ, बताते हैं हर एक मतलब कि जो है साल डेढ़ साल में बाढ़ आ जाते हैं, यहाँ बाढ़ आ जाते हैं। तो चतरिया में जो है एक बांध बंधने का मतलब कि जो क्या कहते हैं बात चला था कि चतरिया गांव हो करके मतलब कि चतरिया से पीछे हो करके जो वाटर ब्रिज बांध बनेगा, वो बांध भी नहीं बनवाए। हाँ बोला था कि बांध बन जाएगा, मैं बांध नहीं बनवाया, अभी तक नहीं बना। इसलिए देखिए बताते हैं, हम लोग उनको जो है चाहते थे, महज आप चाहते नहीं हैं। इसलिए कि देखिए बताते हैं, उनके रीजन में जब ये काम नहीं हुआ तो हम लोग क्यों चाहेंगे कि वही आदमी फिर दोबारा हो। बिल्कुल, गोपाल जी ठाकुर का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जी जी, इससे आप लोग कितना संतुष्ट है? जी हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या सोच करके आप लोग इससे पहले वोट दिए थे? अरे क्या सोच करके वोट दिए थे कि बताते हैं, हम लोग सोचे कि नया चेहरा है, नया आदमी है। इसलिए कि जिस समय इलेक्शन हुआ उस समय में जो आदमी सबसे मिलने के लिए आए, जुलने के लिए आए, बोले कि हमने काम करेंगे, साहब हमको वोट दीजिए, हमने काम करेंगे हमको वोट दीजिए। इसी कारण से हम लोग जो है सोचे कि नया चेहरा है इसलिए वोट दे देते हैं, एक बार देखते हैं चांस दे करके क्या करते हैं। देख लिए, उम्मीद दे करके देख लिए, वोट भी दे करके देख लिए, महज फिर भी वो काम नहीं किए, इसलिए कि हम लोग उनको वोट मतलब कि देंगे ही नहीं। हम लोग भाजपा के प्रति खपा हैं सर। क्यों? हम लोग का जो वो मथी था, कथित बोलते हैं उनको, ये कौन था, गोपाल जी ठाकुर, हम लोग को गांव में एको बार देखने के लिए नहीं आया।
और हम लोग इतना कष्टनाय है, इतना कष्टनाय जिसका जोड़ा नहीं कहा जाए। चतरिया पुला से लेके और हम लोग को जो है से वो गेहूँ नेहालपुर तक के लिए रोड का शिलान्यास फलान्यास कहिया से कर रहा है। हम लोग बहुत मर रहे हैं। बाल बच्चा परिवार जब स्कूल जाती है तो उसको जूता मोता खुला के जाना पड़ता है। और विशेष क्या कहें, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है। हम लोग को बाल बच्चा पढ़ने लिखने से भी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। जी सर, क्यों आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग किसी पार्टी को वोट अगर देते हैं, अगर जनता के प्रति अगर काम नहीं करेगा तो हम फिर वोट क्यों करेंगे उनको? पिछले बार की चुनाव में क्या सोच करके आप वोट किए? गोपाल जी ठाकुर को जो हम लोग इधर से वोट मिला था पूरी पंचायत से, वो मोदी जी के नाम पर मिला था, गोपाल जी के नाम पर नहीं मिला था। अच्छा जी। अब भला बुरा जो भी कर्म करते हैं, हम लोग को अगर 5 किलो अनाजो दे रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा परिवार में जियो रहे हैं, तो मुझे मोदी जी का दिल है। दरभंगा लोकसभा से भाजपा जो है से फिर से गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिए हैं, इससे इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम लोग कुछ संतुष्टि में नहीं है, इसलिए कि हम लोग को रोड की व्यवस्था ही खराब है। दूसरी बात कि पानी जितना लगता है चतरिया पुल के सिमरा पुल के साइड से, जो कि हम लोग को बाल बच्चा जाने के लिए हिचकिचाता है स्कूल जाने के लिए, क्या हम लोग तो देंगे तो उनको तो सोचिए करके ना देंगे वोट। कभी आप लोग का हाल उल समझने नहीं आया? नहीं नहीं, कभी नहीं आया वो, कभी नहीं। इतने के बाद कोई नेता नहीं आते सोच करके? पिछले बार बात पिछले लोकसभा चुनाव में वोट उस बार तो हम लोग दिए थे कि हम लोग सोचे कि काम करेंगे ही, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं किए। कुछ काम नहीं? कुछ नहीं। सड़क उड़क कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दिए वो, कुछ नहीं किया। कुछ नाम नहीं। क्या हुआ? राम बहादुर राय। क्या नाम हुआ आप अपना? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी, जी मुकेश जी, दरभंगा लोकसभा सीट से गोपाल जी ठाकुर को फिर से भाजपा ने टिकट दिया, इससे आप लोग कितना संतुष्ट है? ठीक है सर, दिया है, लेकिन सर वो तो काम काज उस लायक करते हैं नहीं। दिए तो हैं, लेकिन उम्मीद करते थे हम लोग कि वोटिंग करेंगे और आगे किए भी, लेकिन हम लोगों को तो उस तरह काम हो नहीं आ ही पाया है। बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये रास्ता बनवा देंगे, ये रोड बनेगी, कोई भी रोड नहीं बन पाता है, सिर्फ बोलने के लिए। क्यों संतुष्ट नहीं है आप लोग? संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हम लोग को कोई काम नहीं नज़र में आ रहा है उनका। दरभंगा एम्स तो बनवा दिया है। कहाँ एम्स बना है, ये कौन कर रहा है, ये सब हवा हवाई है। एम्स तो बना आना ही, लेकिन दरभंगा में पूरे शोर हो गया कि एम्स बन रहा है, एम्स बन रहा है, ये कि बनवा दिया। ये सब राजनीति पॉलिटिक्स है सर। बोला है कि बनवा दिया? नहीं सर, कहाँ बना है, कहीं नहीं बना है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार यादव। इस बार क्या वोट करेंगे? इस बार सर वोट करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, रंजीत ललित यादव को, RJD से। हम सिमरा से गांव से आ रहे हैं। मालूम है दरभंगा लोकसभा से जो है भाजपा फिर से दरभंगा गोपाल जी ठाकुर के टिकट दिलखिन, अई के लोग कितना अहाँ सब संतुष्ट छे? देखिए MP जी तो एकदम ठीक हैं, लेकिन प्रभाव उसका बहुत ख़राब है। हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, बशर्ते गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं देते हैं। वही बगल में चतरिया है, वो गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण का बस्ती है, बार बार आता है। सिमरा एक बार नहीं आया वो देखने के लिए कि सिमरा में क्या होता है नहीं होता है। रोड का दशा देख लीजिए, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। मोदी जी अगर किसी को भी टिकट दे देते हैं तो वो जीत जाता है, इसलिए कि हम मोदी जी को वोट देते हैं, बशर्ते गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर गोपाल जी ठाकुर को वोट पड़ा है, मिला है टिकट, तो गोपाल जी ठाकुर के मजबूरी में तो हाल वोट करवे करेंगे, लेकिन कम से कम उससे पहले जो हम लोग का छठी घाट का देख लीजिए कैसा हाल है, ये रोड को देख लीजिए कैसा हाल है, एक बार घूम कर कैसे उस उनको हम फिर वोट देने के लिए तैयार जनता होगा यहाँ, आप बताइए जरा। क्या सोच करके पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग तो यही सोच चुनाव में दिए थे, जो मोदी जी है वो काम कराएंगे और करते हैं, विकास होगा मेरे पंचायत का। लेकिन गोपाल जी ठाकुर जी कभी नहीं आए जो देखने के लिए कि हाँ ये जनता का क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो जान लीजिए सिमरा आपका BJP का आदमी है,
बिल्कुल वोटर बीजेपी का है, दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी हाल में। गोपाल जी ठाकुर का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे आप लोग कितना संतुष्ट? नहीं, संतुष्टि नहीं है, काम से संतुष्टि नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ हमारे पंचायत में। क्यों संतुष्ट नहीं है? इसीलिए कि वो काम नहीं किए, ना आए ना देखे, ना कोई जनता को देखने आया, सब कोई जो है सो तरह तरह के रह गया कि गोपाल जी ठाकुर आएंगे, गोपाल जी ठाकुर आएंगे, वोट लेने तो सब चले आते हैं, गोपाल जी ठाकुर हो या संजय झा हो या जो हो, लेकिन देखने के जीतने के बाद दोबारा ये सिमरा में पंचायत में आना। इस बार आप उनको समर्थन करेंगे? हाँ हाँ करेंगे, फिर से करेंगे, हाँ फिर से करेंगे, लेकिन वो बसरते देखे वोट देंगे।